नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में खाना बनाने के दौरान तेज धमाकों के साथ गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक की मौत, कई लोग घायल। सुल्तानगंज नगर परिषद की सभापति बनी नीलम देवी, पूर्व सभापति दयावती देवी को 7 मतों से किया पराजित। देवघर से पूजा अर्चना कर घर लौट रहे दंपत्ति सड़क हादसे का हुआ शिकार, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। कोसी नदी में कटाव का कहर जारी, कई घर गंगा में विलीन, ग्रामीणों में भय का माहौल। और शॉर्ट सर्किट से कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से। कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल और निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह गरीबदास की पत्नी खाना बना रही थी, इसी दौरान गैस रिसाव होने के कारण सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे कि स्थानीय लोग घर के अंदर आग बुझाने पहुंचे, तभी सिलेंडर विस्फोट कर गया। हादसे में पंकज पंडित की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रसलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। भागलपुर DRDA सभागार में नगर परिषद सभापति चुनाव में नीलम देवी के पक्ष में 15 पार्षदों ने मतदान किया, जबकि दयावती देवी को महज 6 पार्षदों का ही समर्थन मिल सका। बहुमत के आधार पर नीलम देवी नगर परिषद सुल्तानगंज की सभापति चुनी गई। हम आपको बता दें कि नगर परिषद सुल्तानगंज सभापति की सीट अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड संख्या 11 से पहली बार पार्षद बनी नीलम देवी सदन में शुरू से ही पेयजल, शौचालय निर्माण समस्या को लेकर अपनी बातों को मजबूत तरीके से पेश करती आ रही थी। कुछ पार्षदों के समर्थन से 1 साल पूर्व से ही दयावती देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की साजिश रची जा रही थी। बीते माह 9 पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन नीलम देवी ने अपनी अध्यक्षता में कार्यपालक पदाधिकारी को देकर दयावती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें 14 मतों से अविश्वास बहुमत से पास हो गया और दयावती देवी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मंगलवार को DRDA में हुए चुनाव में नीलम देवी सभापति पद पर निर्वाचित हुई। देवघर से पूजा कर वापस मोटरसाइकिल से घर लौट रहे कांवरिया दंपत्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस घटना में पति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान अररिया के सरनपुर निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कटरिया ओवरब्रिज के समीप ट्रक से मोटरसाइकिल टकरा गया, जिससे कि बाइक चालक दिलीप यादव की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पत्नी रंजना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रंगरा PSC में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। हम लोग बाबा धाम से लौट रहे थे जल अभिषेक करके, तो हम बोले कहाँ है भाई चाय पी, तो बोला दिलीप यादव एक्सीडेंट कर गया है, पता चला है फोन के माध्यम से, सीरियस है। रंगरा हॉस्पिटल पहुँचे, तो हम रंगरा हॉस्पिटल पहुँचे। रंगरा हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चला कि ये दिलीप जी डेथ कर गए हैं और इनकी पत्नी सीरियस है। इनकी पत्नी को भागलपुर रेफर किया गया है। मेरी पत्नी, मेरी सास और मेरा साला तीनों उसके साथ है और डेड बॉडी के साथ हम हैं। नवगछिया के खरीक प्रखंड सिंहकुंड में कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तेजी से आक्रामक हो रही कोसी की चपेट में आने से पिछले 3 दिनों में दर्जनों घर सहित सैकड़ों पेड़ कटाव की भेंट चढ़ गए। कोसी के तांडव से सिंहकुंड निवासी शंभु राय और दिलीप राय का इंदिरा आवास के तहत बना मकान कोसी में समा गया। कोसी की विनाश लीला के सामने सभी ग्रामीण असहाय और मुखदर्शक बन गए हैं। अपने आशियाने को नदी में समाते देख ग्रामीणों को अपनी और बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है।
ग्रामीणों के अनुसार इससे पूर्व ऐसी त्रासदी कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। सरकार द्वारा बाढ़ एवं कटाव पीड़ितों को सहायता मुहैया कराए जाने वाले सभी दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जल संसाधन विभाग के अभियंता कटाव का निरीक्षण करने नवगछिया पहुंचे थे, उसके बावजूद भी अब तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिला है। भागलपुर इशाकचक स्थित कबाड़ी गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शिवपुरी कॉलोनी के समीप मंगलवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण झींगा चौधरी के कबाड़ी गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही इशाकचक थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपये मूल्य का कबाड़ी जलकर खाक हो गया है। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो युवक भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवक की पहचान योगीवीर निवासी रामविलास महतो के पुत्र रामनंदन महतो के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार टेकानी रेलवे स्टेशन समीप तीन लड़के अपराध की घटना को अंजाम देने एकत्र हुए थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर सभी युवक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। अगर आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हैं और आपकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना समय बर्बाद ना करें। विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर पर ना ही डॉक्टर उपलब्ध है और ना ही दवाई। जांच के नाम पर खरीदी गई एक्सरे मशीन कई वर्षों से धूल फांक रही है। पैथोलैब से लेकर डिस्पेंसरी में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी श्यामाशीष कुमार और कमर अहसन ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी तक व्यवस्था नहीं है। कैंट और बोरिंग पिछले कई माह से खराब है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। छात्रों से चिकित्सा सुविधा देने के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन शुल्क वसूली तो कर लेता है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ फाइलों पर ही रहती है। यहाँ अक्सर दवाई नहीं मिलती और डॉक्टर से भेंट भी नहीं होता है। यहाँ नहीं पानी की सुविधा है, नहीं दवाई की सुविधा है, खाली खाली पड़ा रहता है सब चीज़। और कभी मिलता भी है डॉक्टर तो वो जो है लिख देते हैं पुरजाम की बाहर से ले। यहाँ सर कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। हमको एक बार डॉक्टर एक्सरे के लिए बोले थे तो एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे का मशीन भी खराब रहता है, यहाँ कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्री पीएचडी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा को लेकर सीसीडीसी प्रोफेसर केएम सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कमेटी में सभी सकाय के डीन को शामिल किया गया है। वहीं कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्री पीएचडी के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद की अध्यक्षता में सारे डीन और सीसीडीसी की एक कमेटी है जो संभवतः 30 तारीख को बैठेगी, इसलिए एग्जैक्ट डेट तो कमेटी तय करेगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम ऑनलाइन फॉर्म मांगेंगे और लास्ट वीक ऑफ अगस्त में संभावित है कि परीक्षा हो। इसके लिए हमें सारे विभागाध्यक्षों से मदद लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से विश्वविद्यालय अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और तैयारी शुरू करने के बाद ये कमेटी निर्णय करेगी किस तरह से इसका आयोजन हो, कैसे हो, लेकिन संभावना ये है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में हम लोग परीक्षा लेंगे। और ये परीक्षा उन्हीं विषयों में लेंगे जिन विषयों में वैकेंसी होगी। जिन जिन विभागों में वैकेंसी नहीं होगी उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। अभी हमारे लगभग सभी विषयों के पद आ गए हैं। कहीं कहीं कोई विषय में कुछ सीट को लेकर भ्रांति है, उसको दूर किया जा रहा है। सीसीडीसी ऑफिस उन विभागाध्यक्षों से संपर्क में है
और फॉर्म भरने के लिए हम लगभग 15 दिन ऑनलाइन फॉर्म भरने का देंगे। 55% जनरल लड़कों को और 50% रिजर्व कैटेगरी के छात्र छात्राओं को मार्क्स होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। दो पेपर में परीक्षाएं होंगी। पहला पेपर मल्टीपल चॉइस का होगा जिसमें 50% होंगे। ये प्रश्न जो होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग और क्वालिटेटिव पेपर होंगे जो हर विषयों के लिए कॉमन होगा। दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 20 प्रश्न के जवाब छात्र छात्राओं को देने होंगे। और पास करने के लिए 45% मार्क्स आवश्यक होगा ये रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स आवश्यक होगा जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं। भागलपुर जोगसर थाना में छात्र जदयू के नेता बजरंग बिहारी शर्मा ने छात्र नेता सौरभ झा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। बजरंग बिहारी ने कहा कि कचहरी परिसर में सौरभ झा और उसके समर्थकों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में चल रही लॉ परीक्षा को लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। मारपीट की घटना में बजरंग बिहारी के चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। घटना को लेकर आक्रोशित छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सोमू राज ने कहा कि पुलिस प्रशासन अगर 48 घंटे के भीतर आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो छात्र जदयू आंदोलन करेगा। 12-4 आज हम कचहरी परिसर में फ्लैट है और वहीं पे जो है सौरभ झा उसके 6-7 अज्ञात साथियों के द्वारा आया, हमको आते के साथ है इशारा किया लेके जाने लगा, लेकिन हम विरोध किए तो हमको वहाँ पे मारने लगा और बोला कि तुम लॉ कॉलेज का परीक्षा नहीं देगा, अगर तुम परीक्षा देगा तो तुमको पहले भी मारे थे और इस बार तुम्हारी हत्या कर देंगे। आज की जो पूरी जो घटनाक्रम है, हमारे छात्र नेता छात्र जदयू के नेता बजरंग बिहारी के ऊपर जो आपराधिक तत्वों ने सौरभ झा के नेतृत्व में हमला किया, इसका सबसे पहले छात्र जदयू पुरजोर विरोध करता है। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर जो भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो। अगर 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो छात्र जदयू सड़क पर उतरेगा। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को भागलपुर के पेंशनर समाज भवन में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने विगत दिनों पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और मामले में गिरफ्तार शिक्षकों को बिना शर्त रिहाई की मांग की। समिति के सदस्यों ने 27 जुलाई को भागलपुर जिला स्कूल में विरोध प्रदर्शन जुलूस निकालने का निर्णय लिया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुँचेगा। श्यामानंद सिंह ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन देने, पुरानी पेंशन नियोजित शिक्षकों को देने के साथ कई मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्य अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बैठक में संयोजक मंडल के सदस्य सह जिला सचिव बिहार राज्य प्राथमिक संघ शिक्षक संघ गोप गुट श्यामानंद सिंह, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव राम नवीन, ब्रजकिशोर झा, विवेकानंद सिंह समेत STET बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। 27/7/2019 को भागलपुर जिले में बिहार के शिक्षकों के साथ किए गए नाइंसाफी के विरुद्ध बड़ा विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। हमारे शिक्षकों को बिना कुछ किए पटना में गिरफ्तार किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन से प्रहार किया गया है, जबकि हमारा शिक्षक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पटना में धरना कर रहा था। 2.5 लाख की उपस्थिति को देखकर सरकार डर गई थी। समान काम समान वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के बिना शिक्षकों को बुढ़ापे में जीने का अवसर नहीं मिलेगा। अक्सर देखा जा रहा है बुढ़ापे में बच्चे शिक्षकों को छोड़ देते हैं और उन्हें बेसहारा का स्थिति होना पड़ता है, इसलिए पुरानी पेंशन भी सरकार हमें दे। अनुकंपा के बहाली में शिक्षकों के लिए जो शर्त रखा गया है प्रशिक्षित होना और उत्तीर्ण ये टेट उत्तीर्ण होना, उनकी बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। भागलपुर के पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ कार्यालय के समीप मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन भारतीय रेलवे मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार शुक्ला, पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश सिंह एवं भारतीय मजदूर संघ बिहार के महामंत्री उमा वाजपेयी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
23 जुलाई 1955 को गैर राजनीतिक मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से संगठन मजदूरों के हितों में कार्य कर रहा है और संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस समारोह मनाया जाता है। कार्यक्रम को पूर्व रेलवे हावड़ा जोन के ZRUCC सदस्य अभय वर्मा समेत कई अतिथियों ने संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय मजदूर संघ मजदूर द्वारा मजदूरों के हित में कार्य करने वाला संगठन है। मौके पर संघ के प्रदेश मंत्री राजेश कुमार, लाल भानु, प्रताप पाठक, राकेश कुमार पटेल समेत पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG अर्थशास्त्र विभाग में स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कैंपस में छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण भी किया। मौके पर पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रसाद सिंह ने छात्रों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व CCDC प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर रोमा सिन्हा समेत कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर उर्दू बाजार स्थित लॉज में रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहे छात्र गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूब गया। मृतक छात्र की पहचान कल्याणपुर बंगाली टोला निवासी राम प्रताप मंडल के पुत्र अविनाश के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अविनाश अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने सुल्तानगंज सीढ़ी घाट गया था, जहां गंगा की तेज धारा में अविनाश बह गया। घटना के बाद SDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मंगलवार की सुबह छात्र के शव को गंगा नदी से बाहर निकाला। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पैनल निर्माण में व्यापक धांधली को लेकर मंगलवार को योग्य उम्मीदवारों ने एक दिवसीय धरना दिया। पैनल निर्माण में उम्र की वरीयता की अपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों ने कम उम्र वाले उम्मीदवारों का नाम पैनल में जोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि पूर्व से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पैनल में उम्र की वरीयता के आधार पर पैनल निर्माण होता आया है। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी संघ के द्वारा दिए गए धरना के दौरान सभी उम्मीदवारों ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गलत ढंग से निर्माण किए गए पैनल को रद्द कर नए सिरे से उम्र की वरीयता के आधार पर निर्माण की बात कही। साथ ही कहा कि अगर पैनल रद्द कर नए सिरे से निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर कई उम्मीदवार हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। 2016 का फॉर्म निकला था तो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का पैनल निर्माण के लिए, उसमें आशा था कि उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा, उसी का निर्माण पैनल में। भागलपुर के मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर सभागार में तुलसी परिवार एवं श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से मंगलवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने संत किरीट भाई जी का स्वागत अंग वस्त्र एवं भजन गाकर किया। सभी गुरु भक्तों ने अपने गुरु को नमन कर आशीर्वाद लिया, जबकि किरीट भाई जी ने सभी गुरु भक्तों को गुरु का महत्व बताया और आशीर्वचन दिया। प्रवचन के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से गुरु वचन सुना और सदा गुरु का सम्मान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में बाल गोपाल एवं ठाकुर जी की पूजा की और जीवन में सदा गुरु का सम्मान करने की बात कही। मौके पर अतुल ढंढनिया, नवीन ढंढनिया, अभिषेक बाजोरिया, मिक्की दलानिया, संतोष अग्रवाल सहित गुरु भक्त मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में खाना बनाने के दौरान तेज धमाकों के साथ गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक की मौत, कई लोग घायल। सुल्तानगंज नगर परिषद की सभापति बनी नीलम देवी, पूर्व सभापति दयावती देवी को 7 मतों से किया पराजित। देवघर से पूजा अर्चना कर घर लौट रहे दंपत्ति सड़क हादसे का हुआ शिकार, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। कोसी नदी में कटाव का कहर जारी, कई घर गंगा में विलीन, ग्रामीणों में भय का माहौल। और शॉर्ट सर्किट से कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।